बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम इमा जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो भी 5:15 हो चुके हैं जी, और देखिए अजानें स्टार्ट हो गई हैं और मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ऐसा लग रहा है जी बारिश आने वाली है, बादल बने हुए हैं। और आज हमने जी खाना जो है वो नहीं बनाना क्योंकि हमारा कल का पड़ा हुआ है। आज हम बनाएंगे जी बालाई से मक्खन, मक्खन से देसी घी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने जी साथ साथ रहना है। और ये देखिए जी सूर्य वगैरह जी डूब चुका है और बादल ही बादल हैं जी आसमान पर। देखिए जी बहुत ज़्यादा गैर गैर सी बनी हुई है, जिस तरह जी सर्दियों वाला मौसम है। और देखिए जी अजान स्टार्ट हो गई, अभी नमाज पढ़नी है मगरब की, उसके बाद फिर सारे काम स्टार्ट करते हैं। खिड़कियाँ जी हमने बंद कर ली क्योंकि ठंड जाती है जी अंदर। तो ये देखिए जी बाजी ने उसे रख दिया गर्म पानी, क्योंकि ये आज डालेंगे जी बालाई में। और इधर जी हमने बालाई रात को लगा ली थी, ये देखिए जी जम चुकी है क्योंकि ये फ्रीजर में पड़ी हुई थी। हाँ जी ये देखिए जिसका कलर येलो येलो, फ्रीजर में पड़ी हुई थी, अभी भी निकाली है। बाजी कहती है जी गर्म पानी से ये सारा कुछ ठीक होगा, ऐसे ही है बाजी? हाँ, सख्त हो गया ना, जम गया। हाँ जी फ्रीजर में नरम हो जाता है, जब तक गर्म पानी होता है ना फिर नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है, और फिर बाकी की रूटीन शेयर करते हैं। तो अभी मैं नमाज पढ़ ली है जी मगरब की, और यहाँ पे रखने लगे हैं जी वो अपना बलाई वाला मटका, मटका चाटी। तो ये देखिए जी हमारी मशीन चली हुई है, हम सायल की मशीन की हम मांग के लाते हैं, उनका तो बिजनेस यही है ना, उनके घर में तो भैंसे हैं। हाँ जी उनकी भैंसे हैं जी, सारे यहाँ पे जी गांव वालों की ये मशीनें हैं क्योंकि उनके ज्यादा भैंसे हैं, लेकिन हमारे तो नहीं है। तो ये रखते हैं जी मशीन, और बाजी ले आए पानी शानी और करते हैं जी काम अपना स्टार्ट। और ये है जी गर्म पानी क्योंकि बलाई में जी जम चुका है, वो बर्फ है जी उसमें, तो पानी को रखते हैं जी इधर साथ। ठंडा पानी नहीं डालना बाजी आज, ये नहीं है जी डाल के, ये दे लोड पे ही दे गर्म पानी तो ठंडा ही पावा। चलो सही है, ये देखिए जी हम इसमें रखने लगे हैं जी अपनी मशीन वाली मधानी। अभी जी हम मशीन चलाएंगे और चेक करेंगे कि गर्म, क्योंकि वो जी जम चुका है फ्रीजर वाली जो हमारी वो मलाई है बलाई, तो बटन दबा के चेक कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो फिर गर्म पानी डालेंगे। ये है जी गर्म पानी, अब इसमें डालने लगे क्योंकि मशीन चल नहीं रही जी, चाहते हैं ताकि हमारी बलाई जो है वो पिघल जाए, घुल मिल जाए। पहले हमने जी गर्म पानी डाला है, जो बलाई है जी वो हमारी मिक्स हो गई है, पिघल गई है, अब डालेंगे जी ठंडा पानी ताकि इसकी वजह से जी हमारा मक्खन ऊपर आ जाए, तैर तैर के आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा मक्खन बन जाए जी। ये देखें जी बाजी लेके आई है जी बर्फ, क्योंकि बर्फ जी हम सारे घर से लाई है क्योंकि हमारे फ्रीजर में बर्फ नहीं जमती। तो अब इसको डालेंगे जी इस बलाई में, क्योंकि गर्म पानी डाला था फिर ठंडा डाला है, तो ये इसकी कंडीशन बन गई है। अब इसमें बर्फ डालने से जी ये सारा जो है मक्खन बनेगा। बर्फ सा तोड़ लेते हैं, ये देखिए जी अब इस तरह मक्खन ऊपर आ जाएगा जल्दी जल्दी जी। तो भी ये देखिए जी मक्खन हमारा ऊपर आ चुका है,
तो इसे तकरीबन जी हमने बर्फ डालकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था ताकि जो वो बर्फ जो है वो हमारी पिघल जो है मक्खन हमारा ऊपर आ जाए। तो ये जी आप देखिए सारा जी ऊपर मक्खन आ चुका है, आप इसको निकालेंगे जी। ये देखिए जी बिस्मिल्लाह करके जी आगाज करते हैं। ये देखिए जी ये जम चुका है, बर्फ डालने से जी ये मक्खन सारा ऊपर आ गया माशाल्लाह जी। पेड़े माशाल्लाह जी अब आ जाएंगे, इस तरह जमा हो गया जी सारा मक्खन। मस्सी नीचे बैठ गई है जी और मक्खन ऊपर जम गया, इकट्ठा हो गया जी बर्फ डालने से। और ये देखें जी बर्फ इसके अंदर अभी तक है। बहुत ही जी आसान तरीका है और देखें जी कितनी जल्दी हमारा मक्खन बन गया। ये देखें जी मुंह में पानी आ रहा है जी, मैंने थोड़ा सा चखा भी है, पेड़े पेड़े हैं जी मक्खन के भर भर के आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखे जी इसका कलर देखे जी पीला पीला गाय के दूध वाला। इस दफा गाय का दूध लिया है ना तो पीला पीला आया माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त। देखे जी जल्दी जल्दी हमारा मक्खन बन गया है, बर्फ डाली है तो ठंड है जी तो जल्दी जी ये तैर के ऊपर आ गया। मक्खन बन गया तो मुझे इसके ना सुबह पराठे बना के देने आप। सुबह बना के देने हैं जी? नहीं पता क्या करना है, साग बनाएंगे ना साथ मक्की वाली रोटी। अच्छा सही है, उसके साथ पराठे बनाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, मैं जी देखे साग वाले बना के देंगे मुझे पराठे। आपने बताना है आपने बताना है कि मैं बना के दूं के ना दूं। हां जी व्यूअर्स बोलेंगे ना फिर आऊंगा। चलिए ठीक है, ठीक है ना, ठीक है व्यूअर्स की मानते हैं। ठीक है तो व्यूअर्स देखिए जी हमारा जी मक्खन निकला है माशाल्लाह। इसमें से भी थोड़ा सा डिब्बे में डाल देते हैं और बाकी रखते हैं जी चूल्हे के ऊपर। तो इसको बनाएंगे घी और ये जी हमारी लस्सी है। ये देखिए जी अब लस्सी को जी सब बोल लेंगे और इसके जो नीचे जमी हुई है जी हमारी वो छिद्दी उसको भी जी हम निकाल के खाएंगे। तो लस्सी की जी हम बनाएंगे कड़ी, बहुत मजेदार है जी, कोई चीज भी जाया नहीं करेंगे। ये देखिए जी ये हमारी छिद्दी निकल आई है, इसके बस आप क्या कहते हैं जी, हम तो इसे छिद्दी कहते हैं। और ये देखिए लोग आने ना फोन 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 लस्सी फोन फोन आखी दाई। अच्छा इसे हम तो छिद्दी कहते हैं, ये बहुत मजेदार होती है जी। ये देखे जी हमारी छिड्डी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, देखे जी अभी मक्खन की तरह लग रही है लेकिन बहुत मजेदार होती है जी, खा के बहुत मजा आता है। तो भी बस कोई भी चीज आया नहीं करेंगे जी, चाटी को जी अच्छी तरह करेंगे साफ। तो बहुत पैसे लगते हैं जी, बहुत महंगाई है, दूध बहुत महंगा है, मक्खन भी महंगा, घी भी महंगा, मेहनत भी हो रही है जी। तो भी बस ये है जी हमारी छिड्डी, इसको चाहे चीनी डाल के खा ले चाहे वैसे खा ले, वैसे जी हम वैसे भी खा लेते हैं, कुछ बच्चे जी चीनी डाल के खाते हैं। और ये है जी हमारी लस्सी, इसको रखेंगे जी फ्रीजर में और इसकी बनाएंगे जी कड़ी। अगर किसी ने पीनी हुई तो वो पी भी सकता है जी, बिल्कुल सही लस्सी है जी क्योंकि इसको खट्टा लगाया हुआ है जी दही का। और ये है जी हमारा मक्खन, तो इसको रखने जा रही हूँ जी मैं चूल्हे के ऊपर। तो भी ये देखिए जी थोड़ा सा मक्खन निकाल लेते हैं, हस्बैंड साहब कह रहे हैं कि पराठे बनाने हैं। तो
भी वजह वाला मक्खन जी हमने निकाल लिया है पराठों के लिए। ये जी साग का साग बनाएंगे तो साथ पराठे भी बनाएंगे जी मक्खन। तो अब जी आग जलाते हैं और रखते हैं जी ऊपर मक्खन को। चलेंगे मक्खन रख दिया है जी, अब इससे बनेगा जी घी। फिर साथ साथ आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी मैं ये देखे जी लस्सी जो है वो दोनों बोतलों में हमने डाली है, बिल्कुल भी जाया नहीं की। तो आप इसको रख देते हैं जी फ्रीजर में। और अगर दिल करेगा जी इसकी कड़ी बने, और अगर जिसका दिल करेगा जी वो पी लेगा। बहुत अच्छी लस्सी है जी, बिल्कुल खालिश चाटी वाली। ये देखे जी ये छिड्डी है जो निकली है जी लस्सी से। और मक्खन बनाते वक्त तो ये बाजी मीना जो है वो इनको चीनी डाल के दे रहे हैं। ये बड़े शौक से खाते हैं, ये भी मैं भी खाती हूँ जी। वो ये बाजी भी खाने लगी है, मैं भी जी खाऊंगी बाजी और मैं दोनों इकट्ठे खा लेंगे। चीनी डाल के बहुत मजा आता है जी। कैसी लग रही है जी बाजी? मजेदार है, बहुत मजेदार है जी। हमारे गाँव में ये चीनी डाल के खाते हैं जी, हम बड़े शौक से खाते हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं। खोया है? हाँ जी, देखे ऐसा लग रहा है खोए के ऊपर हमने चीनी डाली हुई है। खोया है सेम वैसे ही लग रहा है। जी रोटी डाल के सबको दे रही है। कल वाला जी हमारा सालन पड़ा हुआ है, आज वही खा रहे हैं। और साग हमारा देसी घी बन रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आ गई है। ये देखिए जी ये हमारा देसी घी बन चुका है। अब इसको जी डालते हैं अपने डिब्बे में और आपके साथ जी शेयर करते हैं। तो डालते हैं जी इस बर्तन में और इसको फूल लेंगे जी। तो ये जी अगले दिन की वीडियो है, क्योंकि रात को जी ये पढ़ता रहा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो अब आपके साथ जी शेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह इसकी लुक देखे जी, देसी घी की प्योर देसी खालस घी हमारा जी बन चुका है ये माशाल्लाह। ये देखे और ये जो बाकी बचे हैं जी देखिए इसमें डालेंगे जी आटा। तो मैं ये जो देखिए में जी बाकी बची है इसको बिल्कुल जाया नहीं करेंगे, इसमें डालेंगे जी आटा और उसको मिक्स करके आग में जी भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी जी पंजीरी बन के जाएगी, उसको बिल्कुल भी हम जाया नहीं करेंगे। तो अब इस घी को डालते हैं जी अपने डिब्बे में, ये स्पेशल रखा हुआ है जी देसी घी का डिब्बा। तो अब इसमें डालते हैं देसी घी जी हमने डाली है अपने देसी डिब्बे में। तो आप इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं, उसको रख देंगे फ्रीजर में। तो इसी के साथ जी अब आपसे जाना चाहेंगे। हंसते रहना रिक्वेस्ट होती है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें जी। और उम्मीद है कि आपको आज की हमारी शेयरिंग देसी घी वाली वीडियो पसंद आई होगी। और आप इसी तरह की बहुत ही आसान तरीके के साथ घर में मक्खन से देसी घी बनाए। इजाजत दीजिए जी, खुदा हाफिज़।